आज हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नंबर 2 पढ़ेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर क्या हो तो इस नियम से बनाएं। पहले डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, इस जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि शब्द लगे हो, जैसे क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, तो वैसे वाक्य को बनाने के वक्त इस रूल से बनाएं, इस नियम से बनाएं। पहला होगा डब्ल्यू एच वर्ड को रखेंगे, उसके बाद इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वी फोर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। वी फोर का अर्थ है कि अगर वी वन गो है तो उसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो यह हमारा वी फोर हो जाएगा, यानी वर्ब का पहला रूप से वर्ब का चौथा रूप हम आसानी से बना लेंगे। जैसे प्ले वर्ब है और वी फोर बनाना है तो प्ले में हम आई एन जी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, या वी वन प्ले होगा और वी फोर प्लेइंग हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, क्या को पहले रखेंगे, क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। यू सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगेगा, आर, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। राम कहाँ जा रहा है, इसमें से पहले डब्ल्यू एच वर्ड को चुनेंगे, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर लगा हो वाक्य में, जैसे राम कहाँ जा रहा है तो कहाँ है इसमें, तो यह डब्ल्यू एच वर्ड है, इसको पहले रखेंगे। वेयर, अब राम है सब्जेक्ट, वाक्य में काम करने वाला कौन है, कौन जा रहा है, तो राम, राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ इज का प्रयोग होता है, इसलिए वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव नंबर 2 का इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इसमें क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे के साथ साथ, यानी क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे के साथ साथ इस वाक्य में नहीं भी लगा हो, होगा उसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस समझा जाता है। रूल होगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी गाड़ी क्यों नहीं दे रहा है, व्हाई इज योर फ्रेंड नॉट गिविंग यू हिज कार, वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू पटना। इसी तरह से इस पर, इन वाक्यों पर, इन सेंटेंस की तरह 10 वाक्य हम बनाएंगे।